लंकापुरी की अग्नि में आहुति देकर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो, वे शत्रु मर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पद्मकों, पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थीं। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वो पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वो अरिष्टगिरी स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारु वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जलप्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वो कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वो पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कुहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वो ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वो आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वो पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वो सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंद मूल आदि की वहां बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं, वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वो अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकाश और चमकीली जीभ वाले महाविषैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वो शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। उसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी।
उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। सप्त पंचाशह सर्ग है हनुमान जी का समुद्र को लांघ कर जांबवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र, कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वो आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्य मंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुण के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंदकर उन्होंने लंकापुरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेहनंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज सुनाभ का स्पर्श करके वे महापराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहां गरुण चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्य मंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। गर्जते हुए पवन कुमार का वो सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना उनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष से भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे।
वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्न चित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार किया। कोई आनंद मग्न होकर गर्जने लगा, कोई किलकारियां भरने लगा और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। महाकपि हनुमान जी ने जांबवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जांबवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदनंतर वाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली है, वे एक वेणी धारण किए वहां रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। उस समय सीता का दर्शन हो गया ये वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। ये उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से ये शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली वानर गर्जने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपि कुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने या हिलाने लगे, कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की ये बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में ये परम उत्तम बात कही, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघ कर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कर आए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, ये भी सौभाग्य का ही विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जांबवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थीं। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए।
कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वो ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। अष्ट पंचाशह सर्ग। जांबवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। तदनंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए तब हर्ष में भरे हुए जांबवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपि, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहां किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है, ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। वहां किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। जांबवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हुआ। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्ण में शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वो मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ, मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरि मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूं। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहां महासागर में निवास करता हूं। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्त्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, अतः शत्रुदमन वीर मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी है। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वो महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतरहित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उनके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूं बोला, देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली,
मुझे ये वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाल कर आगे नहीं जा सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे 1.5 बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुख को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुख को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तक्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेह नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुण की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसी कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दी। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहां कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने बड़ी जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर ये अमंगलजनक बात कही, विशाल काय वानर कहां जाओगे? मैं भूखी हुई हूं, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया, परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वो भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकाल कर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट दिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वो दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की ये सौम्य वाणी सुनाई दी, अहो इस सिंह का नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वत मालाओं से मंडित समुद्र का वो दक्षिणी किनारा देखा जहां लंकापुरी बसी हुई है। सूर्यदेव के अस्तांचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों के निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी ना जान सके।